नमस्कार, आप देख रहे हैं आरटी हलचल और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस की ओर। 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना स्थल का किया कलेक्टर एसपी ने निरीक्षण। रेणुका रोड पर हरे भरे पेड़ों की हो रही है कटाई, जिम्मेदार मौन। नवलसिंह सहकारी कारखाने के कर्मचारी की निजी अस्पताल में मौत। और रईपुरा के पास हुआ सड़क हादसा, 2 लोग घायल। और अब खबरों को देखेंगे विस्तार के साथ। बुरहानपुर के बादरपुर रोड पर डाइट कॉलेज में विधानसभा चुनाव की मतगणना 3 दिसंबर को होगी। मतगणना को लेकर प्रशासन की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई है। कलेक्टर एसपी ने भी अफसरों के साथ मतगणना स्थल का निरीक्षण कर व्यवस्थाएं देखी। कलेक्टर ने कहा कि कॉलेज के गेट पर हर व्यक्ति की जांच होगी, बिना आईडी के किसी को भी एंट्री नहीं मिलेगी। प्रशासन द्वारा प्रत्याशियों के साथ कार्यकर्ता के लिए भी एंट्री पास जारी किया गया है। सुरक्षा के लिए पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। बुरहानपुर के रेणुका रोड वन विभाग के डिपो के पास हरे भरे पेड़ों की अवैध कटाई की जा रही है। वन विभाग के अफसरों का इस ओर ध्यान नहीं होने के कारण रोड से लगे पेड़ काटे जा रहे हैं, जबकि हरे भरे पेड़ों को काटना प्रतिबंधित है। ग्रामीणों ने बताया कि अज्ञात लोगों के द्वारा रोड से लगे पेड़ों को काटा जा रहा है। वन विभाग का ऑफिस पास में होने के बाद भी अफसर यहाँ से गुजरते हैं, लेकिन कटाई पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। बुरहानपुर के ग्राम झिरी में स्थित नवलसिंह सरकारी शक्कर कारखाने में कार्यरत एक कर्मचारी की मंगलवार को निजी अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस द्वारा जिला अस्पताल में पीएम कराया गया। निंबोला पुलिस के अनुसार घटना 27 नवंबर की है। मृतक हरीश चंद्र कारखाने से निकलकर अपने घर जा रहे थे कि इस दौरान सड़क पर गिरने से स्वास्थ्य खराब होने के बाद निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उपचार के दौरान मौत होने पर पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। बुरहानपुर के इंदौर इच्छापुर हाईवे पर ग्राम रईपुरा के पास तेज रफ्तार ट्रक में बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक पर सवार पिता पुत्र गंभीर घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिजनों ने बताया कि बाइक चालक मुजा अपने 10 साल के बेटे के साथ बुरहानपुर आ रहा था, तभी सामने से आ रहे ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में पिता पुत्र के सिर पर गंभीर चोट लगने के बाद जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने घायलों के बयान दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। बुरहानपुर के जिला अस्पताल में इंटरनेट की कनेक्टिविटी बार बार बंद होने के कारण मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मंगलवार को इंटरनेट बंद होने से ओपीडी पर्ची से लेकर पैथोलॉजी लैब की जांचें भी प्रभावित हुई। नेट कनेक्टिविटी फेल होने से जिला अस्पताल में मरीजों की लंबी कतारें देखने को मिली। अस्पताल कर्मचारियों ने हाथ से ओपीडी की पर्ची बनाकर दी, जिसके बाद अस्पताल में इलाजों की लंबी कतारें देखने को मिली। अस्पताल प्रबंधन जल्द ही इंटरनेट समस्या का समाधान करने की बात कह रहा है। कहाँ से आए? चंद्रकला। कितनी देर से यहाँ पर? सुबह 9:30 बजे से। क्या क्या बोल रहे, क्या तकलीफ जा रही है? नेट बंद है। नेट ही नहीं चल रहा। नेट नहीं चल रहा है। सलमा, क्या समस्या जा रही है? थोड़ी को लाइट नहीं लगी है, उल्टी 10, तो उसके पास कोई नहीं, विकला नहीं छुप रहा 80 वर्ष, तो वो जमा भी नहीं कर रहा। उसके पास बॉटल लगी है। क्या बोल रहे हैं? बोलते कल भी आ सकते, लाइन में नेट नहीं चल रहा है।